नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे आईटी स्टॉक की जो बहुत बहुत ज़्यादा बज में है और लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब भारतीय बाजारों में गिरावट हुई और पूरा का पूरा आईटी पैक में आप एक गिरावट के सिलसिले को देख रहे थे, ऐसे में इस स्टॉक में भी बड़ी गिरावट दिखाई। लेकिन साथ ही साथ एक आपके लिए जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है उसने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, यानी कि अभी और बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। और ये गिरावट दोस्तों आप कह सकते हैं, अगर जो आपके साथ में सपोर्ट थोड़ी देर में बताऊंगा वो टूटता है तो एक और सेट ऑफ कह लीजिए आप एक लंबी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। निवेशक बहुत बुरी कदर फंसे हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि स्टॉक से निकलें या क्या करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एम्फेसिस लिमिटेड, ठीक है, स्टॉक लगभग 2% की आपको यहाँ गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, कितना? लगभग 2% की, ठीक है दोस्तों। और ये गिरावट दोस्तों लगातार जारी है। आपको मैं पिछले एक महीने का अगर डेटा दिखाऊं, ऊपरी स्तरों से स्टॉक लगभग 9% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा चुका। एक साल में जब आप देखेंगे ना तो जो ऊपरी स्तरों से गिरावट है ये इतनी ज्यादा सीवियर है दोस्तों, आप देखें मोर देन 43% आपको ये गिरावट इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, और देखिए ये गिरावट के साथ जो लगातार जारी है इसमें एक अच्छी चीज रही है कि इसने जो 2000 का लेवल है ना, 2000 का लेवल, इसे बहुत ही शानदार तरीके से बचा के रखा था, इसे तोड़ा नहीं था, जो कि कुछ हद तक आप कह सकते हैं राहत की बात थी निवेशकों के लिए। अब जबकि अगर आज आप कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो यूएस के बाजार रहे हैं वो बुरी कदर क्रैश हुए दोस्तों, क्रूड ऑयल में इतनी भयंकर गिरावट है, प्लस गोल्ड में गिरावट है, जो डॉलर इंडेक्स है वो दोस्तों $110 पार कर चुका है, यानी कि साफ साफ मंदी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। बॉन्ड यील्ड सारे तरह के रिकॉर्ड तोड़ गए और ऐसे में आने वाले समय में एक बड़ी गिरावट, एक आप कह सकते हैं बड़ी मंदी आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और एम्फेसिस इनसे अछूता नहीं रहेगा। और यही नहीं, अगले साल, देखिए इस साल तो फिर भी ठीक रहेगा, अगले साल जो अर्निंग प्रॉब्लम है वो बहुत जोर से आप कह सकते हैं विजिबल रहेगी पूरे के पूरे आईटी पैक में। और एम्फेसिस जो ऑलरेडी फेस कर रहा है हीट दोस्तों, चाहे वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो, स्लो डाउन होगी ऑर्डर में, यहां पे हालात और ज्यादा खराब होंगे। और देखिए इसी को मद्देनजर रखते हुए जो सिटी ग्रुप है फॉरेन ब्रोकर है उसने उसने साफ साफ कहा है कि भाई डाउनग्रेड करो इसको। आप देखें सिटी ग्रुप ऑन एम्फेसिस सेल, टारगेट ₹1900 और लास्ट रनिंग प्राइस था 2059, डाउनसाइड 7% की, यानी 2000 तोड़ेगा तो लगभग आपको स्टॉक 1900 रुपए ले जा सकता है, 7% का डाउनसाइड। नाउ सिटी ग्रुप डाउनग्रेड एम्फेसिस टू सेल विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1900 लार्जली ऑन हाई वैल्यूएशन। आप सोचिए जब बाजार में, देखिए आपको लग रहा होगा यार 43% गिरा है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हाई वैल्यूएशन। दोस्तों जब बाजार में तेजी रही ना, आईटी पिछले 2-3 सालों में जिस तरह भागा है, इस स्टॉक वैल्यूएशन के मामले में हाई नहीं, बहुत बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन में चले गए थे, जिसके कारण इतनी गिरावट के बावजूद भी ये बहुत हाई वैल्यूएशन में। आप देखें नाउ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक प्रेफर एम्फेसिस ओवर द अदर मीडियम टियर पीयर्स अर्लियर, ड्रैग फ्रॉम डिजिटल रिस्क बिजनेस लाइकली टू कंटिन्यू इट सेड, अ टफ मैक्रो कुड इंपैक्ट फर्दर एंड वैल्यूएशन आर 21x, यानी 21 गुना है दोस्तों एक साल फॉरवर्ड कंसेंसस की, ईपीएस रिमेन हाई। और देखिए ये तमाम चीजों के कारण मैं आपको बता दूं स्टॉक में गिरावट हो रही है और लगभग 1900 के लेवल्स ये स्टॉक दिखा रहा है दोस्तों। और यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में जो ये तेजी है दोस्तों, ये जो गिरावट है ये निवेशकों के लिए बहुत फायदा देगी, लेकिन जिस तरह के हाई वैल्यूएशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है अगर 1900 भी ये शायद तोड़ सकता है दोस्तों, और 1700 से लेकर के 1750 एक बार स्टॉक्स दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए हालात वाकई बहुत खराब है दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है, जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ चाइना में कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं कि भाई चाइना में शी जिनपिंग जो है कू की तरफ, उनके वहाँ पे कू हो गया है, कू मतलब दोस्तों तख्ता पलट, लेकिन मुझे ये बात काफ़ी हद तक
गलत लगती है, बट सोर्सेस तो यही कह रहे होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों हमें रेडी रहना पड़ेगा। 2000 का लेवल अगर ये स्टॉक तोड़ता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ेगा और लगभग 1800 से 1900 के लेवल ये दिखा सकता है। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।